हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू KBCN एकेडमी। आज हम आप लोगों को जो है एरर एनालिसिस, जो हमने पिछले पार्ट वन में आप लोगों को उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज दिया था और एक प्रॉब्लम भी बताई थी, आज हम उसी एरर एनालिसिस पर बेस बहुत सारी प्रॉब्लम्स को डिक्लेयर करेंगे। ठीक है कि एरर एनालिसिस के बेस पर जो भी प्रॉब्लम हमारे एग्ज़ाम में आते हैं उनको हम कैसे इजीली सॉल्व कर सकें। तो ये पार्ट टू एरर एनालिसिस का पार्ट टू है, जिसके अंतर्गत हम लोग टोटली एरर एनालिसिस से रिलेटेड जितनी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था पार्ट वन में, आपने देखा था कि वहाँ पर हमने एक प्रॉब्लम लिया था जिसमें ए बी सी की वैल्यूज ली थी। आज हम पूरा क्वेश्चन वही फिर से लेंगे, लेकिन उसमें हम क्वेश्चन का मोड थोड़ा चेंज करेंगे। दैट्स ओके, लिसन मी। पी इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन रूट सी, और वहाँ पर मैंने ए बी सी की मेजर्ड वैल्यू ली थी, एक मेजर्ड वैल्यू को हमने लिया था। यहाँ पर हम ए बी सी का सीधे परसेंटेज एरर ही ले रहे हैं। डेट्स ओके, इफ पी इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन रूट सी एंड इफ द परसेंटेज एरर, इफ द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए बी एंड सी आर 1%, 2% एंड 3% रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन का मोड समझ में आया? इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको यही क्वेश्चन दिया था, लेकिन उसमें हमने ए बी और सी की मेजर्ड वैल्यू, मनुष्य हम लोगों के द्वारा नापी गई वैल्यू ली थी। ए बराबर 2.5, बी बराबर 3.125, ऐसे समथिंग वैल्यू ली थी। तो उस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मैंने मेथड बताया था। आज मैं ए बी सी में होने वाला जो परसेंटेज एरर है उसको हम पहले से ही डिक्लेयर कर दे रहे हैं, दैट इज 1%, 2% एंड 3% रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड आउट मैक्सिमम फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर, मैक्सिमम फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ पी। तो पी के मेजरमेंट में होने वाला मैक्सिमम फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर का कैलकुलेशन कीजिए। और पहले लेक्चर में हम जब स्टार्टिंग कर रहे थे तभी हमने बता दिया था कि कोई भी जो फार्मूला होता है तो उसमें एक फिजिकल क्वांटिटी कई सारी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। तो अगर हमें इसमें परसेंटेज एरर निकालना है तो जाहिर सी बात है इसमें होने वाला जो परसेंटेज एरर है वो ए बी और सी, जो ये तीन फिजिकल क्वांटिटी हैं, उनमें होने वाले परसेंटेज एरर पर ही डिपेंड करेगा। क्लियर? क्योंकि पी का वैल्यू ए और बी और सी तीनों पर डिपेंड करती है, इसलिए पी में होने वाला जो भी परसेंटेज एरर निकालेंगे वो ए बी और सी में होने वाले परसेंटेज एरर पर डिपेंड करता है। ओके, डन। आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका। लिखेंगे गिवन पी इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन रूट सी, ये गिवन है फार्मूला। और इसी के बगल में हम आपको ये बता दें कि जो गिवन चीज़ें हैं ए बी और सी में होने वाला परसेंटेज एरर, ये आपको गिवन है। तो इट मीन्स ए में होने वाले परसेंटेज एरर को क्या कहेंगे, ये भी हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अगर ए नामक कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो उसमें होने वाले परसेंटेज एरर को हम क्या लिखेंगे, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। इट मीन्स दिस वैल्यू इज गिवन, क्या गिवन, परसेंटेज एरर ऑफ ए, 1% इज द परसेंटेज एरर ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ ए। इट मीन्स इट इज गिवन डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। तो मॉड ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 इक्वल्स टू क्या दिया बेटा, 1%। फिर क्या दिया आपको, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 इक्वल्स टू 2%। फिर क्या दिया है, डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 इक्वल्स टू 3%।
किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में होने वाला फ्रैक्शनल परसेंट एरर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कितने का चेंज हो रहा है वो अपॉन उसकी ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। कहने का मतलब ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू, दैट्स ओके। तो ए इज द ट्रू वैल्यू एंड डेल्टा ए इज द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, दैट्स ओके, क्लियर, डन। अब हमें पी में होने वाला परसेंटेज मैक्सिमम फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर निकालना है, तो इट मींस हम इसका इक्वेशन तैयार करेंगे जैसे हमने पीछे बताया था पिछले लेक्चर में, ओके। तो क्या लिखेंगे, नाउ मैक्सिमम फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर इन पी, ये गिवन चीज हो गई, ये। अब हम पी में होने वाला मैक्सिमम फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर निकालने के लिए जो प्रोसेस बताया था कि दिए गए इक्वेशन की सहायता से हम फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर निकालने के लिए एक इक्वेशन तैयार करते हैं जिसमें हमने अब सारी बातें बता रखी थी कि इनटू या अपान में आई हुई चीज़ को हम प्लस लिख देते हैं और जो पावर होती हैं वो बैक होती हैं, दैट्स ओके। याद होगा आपको पिछले लेक्चर में बताया था मैंने, देखिए डेल्टा पी अपान पी और इंटू 100 मैक्स, क्या लिखेंगे यहाँ, मैक्स मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर लिखा है तो पावर को बैक कर लेंगे टू मॉड ऑफ डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 प्लस थ्री इंटू मॉड ऑफ डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 प्लस 1/2 मॉड ऑफ डेल्टा सी अपान सी और इंटू 100, ओके, डन। अब हमें क्या करना है, एवरी वैल्यू इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, यू कैन ऑब्जर्व डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 बराबर 1%, डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 बराबर 2%, डेल्टा सी अपान सी इंटू 100 बराबर 3%, बस वैल्यू उठाइए इसमें डालिए, काम खत्म, दैट्स ओके। डेल्टा पी अपान पी इंटू 100 मैक्स इज इक्वल्स टू 2 × 1% प्लस 3 × 2% प्लस 1/2 × 3%, तो इट बिकम्स 2 × 1 = 2% प्लस 6% प्लस 1.5%, इट बिकम्स 9.5%, दैट इज इफ ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ ए बी एंड सी द परसेंटेज एरर आर 1%, 2% एंड 3%, देन द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ पी विल बी 9.5%, ओके, डन। ये हमारा आज का ये क्वेश्चन नंबर 2 था इस चैप्टर का, मतलब आज का तो क्वेश्चन नंबर 1 था लेकिन पिछले टर्न के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ओके, डन, ठीक। अब मैं इसी चैप्टर से रिलेटेड थर्ड प्रॉब्लम आपके सामने लूंगा, तीसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपके एग्जाम में, टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत प्रकार के होते हैं, ओवरऑल हम आपको बता दें, फर्स्ट टाइप बताया, सेकंड टाइप बताया, अब थर्ड टाइप में क्या होगा कि आपको फार्मूला लिख करके, जैसे यहाँ फार्मूला पी बराबर अंडर रूट पी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट सी लिखा हुआ था और उसमें डायरेक्ट पुट करके आपको वैल्यू निकालनी थी, अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाएगा और फार्मूले के बारे में आपको खुद ही जानकारी होनी चाहिए। सपोज आप किसी सब्सटेंस की डेंसिटी नापने जा रहे हैं, डेंसिटी नापते हैं, तो डेंसिटी नापने के लिए क्या क्या मेजरमेंट करते हैं, उस सब्सटेंस का उस बॉडी का मास नापते हैं और उसका वॉल्यूम मेजर करते हैं, तब तो डेंसिटी निकलती है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर डेंसिटी में होने वाला मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर या मैक्सिमम फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर निकालना है तो आपको मास में होने वाला परसेंटेज एरर पता होना चाहिए और डेंसिटी में होने वाला परसेंटेज एरर पता होना चाहिए, दैट्स ओके, क्लियर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ द परसेंटेज एरर, इफ द परसेंटेज एरर
इन मेजरमेंट ऑफ मास इन मेजरमेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम ऑफ सबस्टेंस 5% एंड 3% रेस्पेक्टिवली. इफ द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम ऑफ ए सबस्टेंस आर 5% एंड 3% रेस्पेक्टिवली देन फाइंड आउट द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन इट्स डेंसिटी इसकी डेंसिटी में होने वाला मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर की गणना कीजिए. देखिए यहाँ पे फार्मूला मेंशन नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी में होने वाला परसेंटेज एरर की कैलकुलेशन करनी है उस फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला उन टर्म में आना चाहिए, आपको याद होना चाहिए जिस टर्म में वो क्वेश्चन दिया है. मास और वॉल्यूम के टर्म में दिया है, तो डेंसिटी का फार्मूला आपको मास एंड वॉल्यूम के टर्म में पता होना चाहिए. दैट्स ओके. तो जानते हैं हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपान वॉल्यूम. डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपान वॉल्यूम. तो क्या लिखेंगे आप, सिंस वी नो दैट डेंसिटी को डी से दिखा दें तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपान वॉल्यूम होता है. डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपान वॉल्यूम. नाउ द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इज गिवेन बाय तो क्या लिखेंगे, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100. इक्वेशन तैयार करते हैं पहले परसेंटेज निकालने के लिए. परसेंटेज की जो जनरल इक्वेशन तैयार करते हैं वो हम बता रखे हैं आपको, इक्वल्स टू डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100. और मैक्सिमम कहाँ है तो आप यहां पर मैक्स लिख देंगे. अब अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी एंड मास इज गिवेन एंड यू नो द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास इट मींस दैट विल बी डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 एंड द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम विल बी डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100. इट इज गिवेन. यहां आप लिखेंगे गिवेन, क्या गिवेन है भाई, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 इक्वल्स टू 5% एंड डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इक्वल्स टू 3%. नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस इन अबव इक्वेशन, वी कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन डेंसिटी. देखिए हैंस डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा आपका 5% प्लस 3% इट बिकम्स 8%. अर्थात अगर आप किसी सब्सटेंस का मास नापते हैं और मास को नापने में आपसे 5% की एरर हो जाती है और वॉल्यूम को मेजर करते समय 3% की एरर हो जाती है तो डेंसिटी में होने वाला परसेंट एरर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8%. डेट्स ओके. आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4th. इफ द मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फेयर इज 4.25 सेंटीमीटर एंड इट्स मास इज
25.256 ग्राम देन फाइंड आउट। इसमें कई और सारे हम आपको एक ही क्वेश्चन में कई सारी प्रॉब्लम एक साथ करते हैं। देन फाइंड आउट परमिसिबल परसेंटेज, जिसे परमिसिबल परसेंटेज एरर कह रहे हैं उसका मतलब फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर की ही बात हो रही है, उसी को परमिसिबल परसेंटेज एरर भी कहते हैं। इन इट्स सरफेस एरिया, स्फीयर का क्या होता है सरफेस एरिया, तो अगर रेडियस को नापने में गलती होगी तो पक्का है कि उसका सरफेस एरिया में भी मिस्टेक ही आएगा। परमिसिबल परसेंटेज एरर इन इट्स वॉल्यूम एंड मैक्सिमम फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर इन इट्स डेंसिटी। ओके डन, आइए देखते हैं पहला पार्ट इसका, सरफेस एरिया या वॉल्यूम में सिर्फ हमें रेडियस ऑफ स्फीयर की रिक्वायरमेंट होगी, बट ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी परसेंटेज इन डेंसिटी मास एंड वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड, मास एंड वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड, दैट्स ओके। तो पहला पार्ट है हमें आर की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 4.25 सेंटीमीटर। तो इसमें होने वाला जो एब्सोल्यूट एरर होगा उसको किस वजह से दिखाएंगे, डेल्टा आर से, पता है ना। अगर आर इक्वल टू 4.25 सेंटीमीटर है तो उसमें होने वाले एरर को हम लोग किस अल्फाबेट से दिखाते हैं, डेल्टा। डेल्टा आर इक्वल टू क्या बताया था मैंने, डेसिमल से पहले वाले सारी संख्याएं जीरो, डेसिमल के बाद वाली भी जीरो, जो लास्ट नंबर होगा उसकी जगह वन रख देते हैं, तो इट बिकम्स 0.01 सेंटीमीटर। ओके, और क्या दिया है हमें, मास दिया है बच्चों, एम इक्वल्स टू 25.256 ग्राम। तो इसमें होने वाला परसेंटेज को किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा एम से, डेल्टा एम इक्वल्स टू 0.001 ग्राम, ठीक है। अच्छा, यह है क्वेश्चन हमारा, जो वैल्यू दी थी वैल्यू मेजर्ड वैल्यू है तो उसमें होने वाले परसेंटेज एरर की वैल्यू हम लोगों को पता ही होगी। अब हम पहला पार्ट कर रहे हैं, ये पहला पार्ट अब हम कर रहे हैं यहाँ से, सरफेस एरिया। अगर हमें स्फीयर के सरफेस एरिया में होने वाला फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर या परमिसिबल परसेंटेज एरर की कैलकुलेशन करनी है तो हमें क्या करना होगा, उसका फार्मूला लाना होगा। तो स्फीयर का फार्मूला क्या होता है सरफेस एरिया का, ए इक्वल्स टू 4πr² या लिखेंगे सिंस वी नो डैट ए इक्वल्स टू 4πR². तो हमें ए में चाहिए ना परसेंटेज, परमिसिबल परसेंटेज ए में चाहिए ना, तो ए में होने वाला परसेंटेज क्या 4 पर डिपेंड करेगा, नहीं, वो तो कॉन्स्टेंट है। क्या पाई पर डिपेंड करेगा, जी नहीं, वो भी कॉन्स्टेंट है। तो क्या आर स्क्वायर पर, हाँ जी आर स्क्वायर पर डिपेंड करेगा, आर स्क्वायर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि आर इज द मेजर्ड वैल्यू, इज अ फिजिकल क्वांटिटी नॉट अ कॉन्स्टेंट टर्म। ओके, तो क्या लिखेंगे, हेंस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 इक्वल्स टू, 4 पर डिपेंड नहीं करेगा, पाई पर डिपेंड नहीं करेगा, किस पर करेगा, आर स्क्वायर पर। तो पावर को हम बैक कर लेते हैं, पता है, और मॉड ऑफ डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, क्लियर बच्चों। अब इसको हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, 2 मॉड ऑफ डेल्टा आर की वैल्यू 0.01 अपॉन आर की वैल्यू थी 4.25 और इंटू 100, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये इससे डेसिमल हट जाएगा, 100 और 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 200 अपॉन 4.25%, ये जो भी आंसर आएगा वो परसेंट में, तो 200 में हम 4.25 का डिवीजन कर देंगे तो जो भी परसेंटेज आना है वो यहाँ आ जाएगा। ओके, 200 डिवाइडेड बाय 4.25 इट बिकम्स 0.47%, राउंड ऑफ करके इतना ही आ रहा है, ठीक है, 0.47%। ये किसकी वैल्यू है, डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 की वैल्यू है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट आप जब निकालेंगे तो क्या है हमारा बच्चों, परमिसिबल परसेंटेज इन इट्स वॉल्यूम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तो फिर लिखेंगे
सिंस वी नो डैट वी इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो फिर से आपको बता दें कि 4/3 जे कॉन्स्टेंट, पाई जे कॉन्स्टेंट, सो वी कैन से डैट द मैक्सिमम परमिसेबल परसेंट एरर इन वॉल्यूम ओनली डिपेंड्स अपॉन द आर टू द पावर 3। ओके, तो इसलिए डेल्टा वी अपॉन वी इन 200 इज इक्वल्स टू 4/3 से मतलब नहीं, पाई से मतलब नहीं, आर की पावर 3 है, 3 बैक हो जाएगा, और मॉड ऑफ डेल्टा आर अपॉन आर इन 200। अब ये क्या हो जाएगा, 3 डेल्टा आर की वैल्यू आपने जो वहाँ रखी थी वही रखेंगे, 0.01, आर की वैल्यू 4.25 और इन 200। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे, ये डेसिमल हट जाएगा, ये आ जाएगा 300 अपॉन 4.25%, और इसका डिवीजन कर देंगे, 300 डिवाइडेड बाय 4.25, तो आ जाएगा 0.7058% राउंड ऑफ करोगे 6 हो जाएगा, और राउंड ऑफ करोगे तो 0.71%। ये डेल्टा वी अपन वी इन 200 की वैल्यू आ चुकी है, देखिए वॉल्यूम में होने वाला परसेंटेज हमें पता है, ध्यान रखिएगा, इसी की जरूरत अभी हमें आगे पड़ेगी। थर्ड पार्ट आपको निकालना है डेंसिटी में होने वाला परसेंट एरर, तो आप क्या लिखेंगे, फिर आप डेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, सिंस वी नो डैट डेंसिटी डी इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, मास अपान वॉल्यूम, सो मैक्सिमम फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर इन डेंसिटी विल बी क्या होगा, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100, ये रिप्रेजेंट करता है डेंसिटी में होने वाला परसेंटेज एरर, और यहाँ मैक्स लिख देंगे, इक्वल्स टू मास पर डिपेंड कर रहा है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एम अपॉन एम इन 200 और प्लस डेल्टा वी अपॉन वी इन 200। ओके, अब यहाँ पर हमको मास की रिक्वायरमेंट होगी, अभी तक मास की जरूरत नहीं थी, तो इसी में वैल्यू पुट कर दे रहे हैं यहाँ बराबर में, तो ये क्या हो जाएगी, डेल्टा एम की वैल्यू थी हमारी क्या आ जाएगी, ये है 0.001 अपॉन एम, एम की वैल्यू है 25.256 इंटू 100 और प्लस ये डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 की आप परसेंटेज निकाल चुके हैं पहले से ही 0.71%। ओके, तो आप इसकी जगह डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 0.71%। अब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 मैक्स इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, 100 अपॉन बड़ी लंबी वैल्यू है, 100 अपॉन 25256। ओके, बहुत छोटी वैल्यू आ रही है हिसाब करने पे, 0.0039 और ये प्लस 0.71, ये मिला के परसेंट बनेगा, ऐड कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 0.7139%, राउंड ऑफ करेंगे 3 प्लेस तक अगर तो 0.714%, और इसको भी राउंड कर देंगे तो 0.71% ही मान लिया जाएगा। ओके, इस प्रकार से हमने आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताने के बाद हम ये कंप्लीट आश्वासन दे देते हैं कि आपको एरर एनालिसिस की सारी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी, अब बचती है सिर्फ एक प्रकार की प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम को आप समझ लिए
आपका एरर एनालिसिस फिनिश हो जाएगा। ओके, तो देखिए अभी हम जिस क्वेश्चन की बात कर रहे थे वो ये क्वेश्चन है, ऑन हीटिंग अ लिक्विड इस टेम्परेचर, ये नए टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल, अभी तक जितने भी क्वेश्चन बताए उससे डिफरेंट है, इसको ज़्यादा ध्यान समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि यही आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ऑन हीटिंग अ लिक्विड इस टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 20.0 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस टू 30.0 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस, फाइंड आउट राइज इन टेम्परेचर, मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन द टेम्परेचर डिफरेंस एंड मैक्सिमम परमिसिबल परसेंट एरर इन टेम्परेचर डिफरेंस। तो इसमें आप देख रहे होंगे क्वेश्चन का रूप क्या है, 20.0 प्लस माइनस 0.1%, ये क्या बता रहा है, ये थीटा वन है, ये इनिशियल टेम्परेचर है ना, तो ये थीटा वन है और ये जो प्लस माइनस के बाद लिखा है ये इस थीटा वन को नापने में होने वाला परसेंट, सॉरी उस थीटा वन को नापने में होने वाला एरर है, होने वाला एरर है, समझ रहे हैं ना, अर्थात ये रियल वैल्यू है, थीटा वन है तो ये डेल्टा थीटा अर्थात एब्सोल्यूट एरर है, क्या है उसका एब्सोल्यूट एरर है। ऐसे ही 30.0 थीटा टू अगर हम मान लें तो इसको नापने में होने वाले एब्सोल्यूट एरर को क्या डिनोट करेंगे, 0.2। प्लस माइनस साइन ये कहता है कि या तो इससे 0.2 पॉइंट आगे चला जाएगा या इससे 0.2 पॉइंट नापने में पीछे चला जाएगा, ये इसका मतलब होता है, ध्यान समझ गए, फिर से सुनिए, जैसे यहाँ 20.0 प्लस माइनस 0.1 लिखा है तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 20 डिग्री सेल्सियस नाप रहे हो तो नापने के दौरान क्या हो सकता है कि या तो आप नापोगे तो थोड़ा आगे चले जाते हो या थोड़ा पीछे नाप लेते हैं, यही तो होता है। तो 20.0 नापना है, एक्चुअल वैल्यू है, तो उसको नापने में क्या होगा, या तो आप 0.1 डिग्री सेल्सियस आगे चले जाओगे या 0.1 डिग्री सेल्सियस पीछे चले जाओगे। तो ये क्या हो गया, ये वैल्यू प्लस माइनस के बाद जो वैल्यू लिखी है क्या हो गया, ये इस फिजिकल क्वांटिटी को नापने में होने वाला एब्सोल्यूट एरर है, क्या वो एब्सोल्यूट एरर है। ऐसे ही ये 0.2 क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस नापने में होने वाला एब्सोल्यूट एरर है। तो इसको ऐसे करेंगे, ध्यान से देखिए, लिखेंगे गिवन गिवन थीटा वन इक्वल टू क्या दिया है, 20 डिग्री सेल्सियस, और इसमें होने वाले एब्सोल्यूट एरर को किसे डिनोट करेंगे, डेल्टा थीटा वन, और वो कौन सी वैल्यू होगी, प्लस माइनस करके जो लिखी होगी वो वैल्यू होगी। तो डेल्टा थीटा वन इक्वल्स टू क्या है, 0.1 डिग्री सेल्सियस, जो कि ये बताता है, प्लस माइनस साइन केवल इसलिए लगा जो ये बताता है कि या तो 0.1 नाप 20 डिग्री सेल्सियस को नापेंगे तो या तो 0.1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा नाप देंगे या 0.1 डिग्री सेल्सियस कम नाप देंगे। तो हम मानते हैं कि केवल इतना का डिफरेंस आ रहा आगे या पीछे, तो ये एब्सोल्यूट एरर हो गया, थीटा वन बराबर दिस एंड थीटा डेल्टा थीटा वन बराबर ये। फिर थीटा टू इक्वल्स टू क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस, तो इसको नापने में होने वाले एब्सोल्यूट एरर को किसे डिनोट किया गया है, डेल्टा थीटा टू से करेंगे डिनोट, और इसकी वैल्यू क्या है, 0.2 डिग्री सेल्सियस। अब इसका पहला पार्ट है राइज इन टेम्परेचर, क्या है बेटा, राइज इन टेम्परेचर, तो राइज इन टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, इतने से इतने होने में कितना का टेम्परेचर डिफरेंस हुआ वो वैल्यू निकाल रहे हैं। तो उसको अगर हम थीटा मान लें, क्या मान लें, थीटा, तो क्या आएगा, थीटा वन माइनस थीटा टू, लेकिन थीटा टू बड़ा है तो क्या लिख देंगे, थीटा टू माइनस थीटा वन, तो इट बिकम्स 30 माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस, ये आ गया राइज इन टेम्परेचर, तो आपको ही पता है। फिर सेकेंड पार्ट आता है आपका मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन टेम्परेचर डिफरेंस, इसको इससे जब माइनस कर रहे हैं तो मैक्सिमम परमिसिबल एरर क्या हो सकता है, तो एरर हमेशा पॉजिटिव माना जाता है, ये मैंने बताया था, तो ये दोनों यही तो है मैक्सिमम परमिसिबल एरर, ये एब्सोल्यूट एरर, इन्हीं को ऐड कर देते हैं, इन्हीं को ऐड कर देते हैं, तो क्या लिख देंगे, मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन टेम्परेचर डिफरेंस, इन टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल्स टू डेल्टा थीटा वन प्लस डेल्टा थीटा टू, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, इसकी वैल्यू 0.1 प्लस 0.2 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा 0.3 डिग्री सेल्सियस, समझ गए, मैक्सिमम परमिसिबल एरर जो होता है तो दोनों क्वांटिटी को नापने में, पहली क्वांटिटी को नापने में जितने का एरर होगा वो दूसरी क्वांटिटी को नापने में जितने का एरर होगा उनका सम होगा, टोटल कितने का एरर हो रहा है इस टेम्परेचर डिफरेंस को निकालने में, तो दोनों केस में जो टेम्परेचर डिफरेंस आया है, सॉरी जो दोनों में जो एब्सोल्यूट एरर आया है उनका
सम ही क्या कहलाएगा, मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन टेम्परेचर डिफरेंस एंड इट्स वैल्यू विल बी फाइंड आउट थ्रू द एडिशन ऑफ बोथ एब्सोल्यूट एरर। ओके, नंबर थर्ड है मैक्सिमम परमिसिबल परसेंटेज एरर इन टेम्परेचर डिफरेंस। तो पहले हम निकाल लेंगे राइज इन टेम्परेचर विथ परमिसिबल एरर, क्या लिखा जाएगा, दिस प्लस माइनस दिस। ओके, नाउ राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर विथ परमिसिबल एरर, विथ परमिसिबल एरर, इसको हम डेल्टा जो ये निकाले हैं मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन टेम्परेचर डिफरेंस, इसको एक अच्छा से डिनोट कर दें तो वो क्या मान लिया हमने, डेल्टा थीटा बराबर। तो राइज इन टेम्परेचर विथ परमिसिबल एरर को लिखने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, तो जो आपने राइज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट किया है वो वैल्यू और प्लस जो डेल्टा थीटा आया इसको आपस में ऐड कर देंगे, तो थीटा प्लस माइनस डेल्टा थीटा। प्लस माइनस साइन इसलिए लिखते हैं कि जो थीटा की वैल्यू आई है इससे इतना आगे जा सकती है, इससे इतना पीछे जा सकती है, बार बार हम बात बता रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 10 और प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया। तो इसलिए अब थर्ड पार्ट अब जब निकालेंगे तो क्या है, मैक्सिमम परमिसिबल परसेंटेज एरर इन टेम्परेचर डिफरेंस, इन टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा थीटा एब्सोल्यूट एरर है और ये उसमें होने वाला क्या, उसका ओरिजिनल वैल्यू मान लिया जाएगा, टेम्परेचर जो राइज इन टेम्परेचर उसका ये क्या है ओरिजिनल वैल्यू और इनटू 100। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा की वैल्यू कितनी है, 0.3 अपॉन 10 और इनटू 100, ये हटाएंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो भी चीज़ें परसेंटेज में आएगी तो क्या आ गया बेटा, 3%, अर्थात मैक्सिमम परमिसिबल परसेंटेज एरर इन टेम्परेचर डिफरेंस विल बी 3%। डेट्स ओके, और इस प्रकार से हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हमने रियल एनालिसिस से रिलेटेड कंप्लीट थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम जो भी हैं हमने आपको समझा दिया है, और आप आगे अपने वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अच्छा वीडियो पाने के लिए अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल होती है बगल में उस यूट्यूब पे जो बेल दी गई होती है उसको दबा देंगे तो आपको हमारी आगे आने वाली जो नई जो अपलोडिंग वीडियो होती है, नई अपलोड होती है वीडियो, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ओके?